का पूरा महत्व केवल व्यक्तिगत उसके उसको वैल्यूज को बढ़ाने पर फोकस हुआ करता था। उस समय आश्रमों में शिक्षा होती थी और आचार्य और बच्चे एक साथ आश्रम में रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई रिजर्वेशन नहीं था और आश्रम पूरी तरह से लेवल इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल फ्रॉम द किंगडम। दो द किंगडम वॉज फंडिंग द स्कूल एजुकेशन द आश्रम, बट द सेलेक्शन ऑफ द टीचर्स एंड द हेड वाइस चांसलर ऑफ द आश्रम वॉज प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। Selection of the students was also based on the merit. There was no reservation policy at point of time. किसी issues को discuss करने के open शास्त्रार्थ हुआ करता था and that used to go for many days. आप याद करें मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ 8वीं शताब्दी में जो वाराणसी में हुआ था तो एक हफ्ते चला था। उसके बाद से शंकराचार्य got defeated. अगर उस समय मेरिट नहीं होती तो सांदीपनी के आश्रम में भगवान कृष्ण और उनके गरीब सुदामा जी दोनों एक साथ नहीं पढ़ते। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द मेरिट दे वर टॉट टुगेदर इन द आश्रम ऑफ ऋषि सांदीपनी इन उज्जैन।